राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, हमारी लड़ाई सिंधिया से नहीं भाजपा से है। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया कहीं के तोप नहीं है, उनकी लड़ाई सिंधिया से नहीं भाजपा से है। सिंधिया को उनकी जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता ही दिखा देगा। सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन सिंह की सक्रियता को लेकर उन्होंने कहा कि सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन भी सक्रिय हैं, युवा विधायक भी सक्रिय हैं और कांग्रेस के बुजुर्ग भी सक्रिय हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले चुनाव में सिंधिया के दो लोग जीत जाएं तो बड़ी बात है। देखो, सिंधिया कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, हमें भाजपा से हमारी लड़ाई है, सिंधिया से लड़ाई नहीं। सिंधिया कोई तोप नहीं, सिंधिया को उसकी जगह तो वहीं का कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा देगा। जयवर्धन भी सक्रिय है, हम सब सक्रिय हैं और जयवर्धन मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है। और जितने हमारे युवा विधायक हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और वृद्ध लोग भी कर रहे हैं खूब मेहनत, बुजुर्ग भी खूब लगे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भाजपा का सफाया कर देगी अगले चुनाव में। सिंधिया जी के दो एक लोग जीत जाएं तो बड़ी बात होगी। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।